एक पादरी ने रात में 10,000 दिरहम देकर यजीदी टोलों से लिया, लेकर उस दाढ़ी मुबारक को साफ किया, सरे मुबारक को साफ किया और इधर से मुअत्तर किया, सर को ऊंचे मुकाम पर रखा। रात भर बादर खड़ा रहा तो उस बाबी करीब शहादत हो गया। जिन्होंने बगावत का नाम दिया, ईमानदार होकर भी बेईमानों जैसा काम उन्होंने किया, जिसने ताजीम और एहतराम किया वो सरे हुसैन की फैजियाब होकर ईमान की दौलत के बदले। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उनके मातम को देखकर कहा, अरे बुलाया तो तुम्ही ने कहा था, खत्म का सबब भी तुम्ही बने और आज रो रहे हो मातम करके। बीबी ज़ैनब ने देखकर उन्हें कहा, खुदा करे कि तुम रोते रहो। तो ये मातम करना, ये अलम उठाना, ये जुलूस निकालना, ये हुसैनियों का अमल नहीं, यजीदियों का अमल। हम बेहतर हैं, नासिबी के उनवान से ही सही हम बेहतर हैं, क्योंकि हमने नवासे रसूल को बिजनेस नहीं बनाया। आप दुनिया कमाने के लिए यजीदियों के अमल को चाहे खराब किया, लेकिन हम इतना तो नहीं गिरे अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब। कौन नासिबी है हकीकत, कौन दुश्मन है, कौन दोस्त है, समझने की जरूरत है।